पानी पे बहुत सी रिसर्च हो चुकी है, जापान में बहुत ज़्यादा हो रही है, और यहाँ तक के जिस इलाके का पानी आप लें उसके क्रिस्टल्स बनाएं, फ्रिज में रखें, फिर उसके बाद उसको आप किसी लेबोरेटरी में चेक करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आधे जमजम से जो बनाई जाता है जो क्रिस्टल्स, उसके ऊपर कुछ और बनता है। और अगर इसके पास मौसीकी बजाई जाए तो ये और शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इसके ऊपर पूरी जापान ने रिसर्च की है, बल्कि अब तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पानी जहाँ जहाँ भी, जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी लेक है जो जहाँ पे पानी अभी सदियों से सूखा नहीं है, एक तो होता है ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं सूखे हैं, तो क्या इनके अंदर हमारी जो वेव्स हैं जो हम बात करते हैं गुफ्तगू करते हैं, उन लोगों ने गुफ्तगू की जो आज से 2000 साल पहले 3000 साल पहले, तो क्या ये गुफ्तगू मौजूद है, क्या वो किसी आले पे ट्रांसमिट की जा सकती है? तो उन्होंने कहा ये अध्यक्ष की जा सकती है। तो बेसिकली अभी हमें पानी के बारे में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इलम नहीं, हमारा हमारी जो साइंस है वो आस्ते आस्ते तरक्की कर रही है, लेकिन फिर भी ये जो पानी हमारी बॉडी के अंदर है ये 72 से 86% पानी आपके बॉडी में है। तो पानी से आप बहुत सी बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है, जैसे बेशुमार लोग इसे इलाज भी करते हैं, अगर आप नेट पे बैठे हैं तो हाइड्रोथेरेपी कहता है एक बहुत मजबूत है दुनिया का। तो इसी तरह से ये जो पानी है क्या ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? तो हौजा सिल्वा ने हमें पहले जैसा बताया कि यस, पानी जो है ये हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। करने का तरीका क्या है कि पानी का एक गिलास आपने जब रात को आप सोने लगते हैं, ये बड़ी गौर से सुनना है आपने इस बात को, और इसको आपने रोजाना के बुनियाद पर खुद भी करना है और लोगों को भी करने के लिए, क्योंकि आसान सा और सस्ता तरीन ये एक मसलन, आप रात आपने तमाम काम अपने मुकम्मल कर लिए, रात को तमाम आपने अपने काम मुकम्मल कर लिए, कोई ट्रांजेक्शन अब बाकी नहीं है मसवा इसके सोने के लिए, या आप सबको पता है कि आप कितने बजे सोते हैं और क्या क्या एक्टिविटी के बाद सोते हैं। कुछ लोग किताबें पढ़ के सोते हैं, जिनको जिनके पास एक पैड बुक मौजूद होती है वो अपनी किताब पढ़ते हैं, कुछ लोगों को और कुछ फोन करके, ये किस तरह से भी आप सोते हैं। तो जैसे बिल्कुल आप सोने के करीब हैं अब, तो आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है और अपनी दो इन उंगलियों को पकड़ना है, सारे हाथ से आपने इस ग्लास को नहीं पकड़ना, ये इस तरह से पकड़ना, इस तरह से, और उससे आपने अपनी उससे जो भी प्रॉब्लम आपकी है, कोई चैलेंज है, तो उसको आपने बताना है उससे, यानी आंखें बंद कर लेनी है और उससे आपने डायलॉग करना है पानी के साथ जो भी प्रॉब्लम आपकी है। और जैसे ही आप ने आपकी आई बॉल जो है जब आप पानी पी रहे हैं तो ये 20 डिग्री ऊपर की तरफ होनी चाहिए, बस कंफर्ट करें। और 50% आपने पानी पी लिया, और 50% पानी को मजीद कोई बात जो आपने पहले उसको डायरेक्शन दी थी या रिक्वेस्ट की थी या डायलॉग आपने सेल्फ डायलॉग किए थे जो, अब दोबारा से उसको वही बात करनी है आपने उसके साथ, जो भी आपका प्रॉब्लम इशू है, कुछ भी आप चाहते हैं, आईक्यू बढ़ाना चाहते हैं या कुछ भी आपकी, आप वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है, कोई बीमारी आपके पास है, कोई हेपेटाइटिस या कुछ भी, तो आपने उससे वो शेयर करनी है। और उसके बाद फिर आप नहीं, क्योंकि अगर लाउड वॉइस में करेंगे तो आपकी नींद उछट जाएगी, क्योंकि आपके न्यूरॉन से दोबारा से उसको एक दोबारा से रिकॉल करेंगे उसको, और फिर उसके बाद फिर वो एक्टिव हो जाएंगे, फिर आपको नींद नहीं आएगी। बस सोचना है, आंखें बंद कर लेनी है, उसको ऑर्डर करना आपने, यानी उसके साथ रिक्वेस्ट करनी है आपने, ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट करनी आपने, कि ऑर्डर करेंगे फिर नींद उछट जाएगी, रिक्वेस्ट करनी है आपने। तो जब भी आप रिक्वेस्ट उससे करेंगे बाकी, तो उसके बाद जस्ट आपने ये इन्हीं से ही आपने मतलब आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा वजन कम हो जाए, तो आप वजन कम करते हुए वो तसव्वुर तो ज़हन में लाएंगे ना, कितना वजन कम हो, कौन ऐसा आदमी है जो आपको आइडलाइज करते हैं, जिसे आप
तो वो आप पानी के साथ शेयर करेंगे उस शख्स को, और उसके बाद जो बाकी पानी है उसके बाद आप उसी तरह से जैसे आपने पहले और गिलास रखा और आपने बस अब बेड पे जाना और सोना है, और सेल्फ डाउट नहीं पैदा करना अपने अंदर। ये बड़ी अहम बात है कि हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर जो परसेप्शन है वो सेल्फ डाउट होती है, वो कहती नहीं नहीं ऐसा तो मुमकिन नहीं, हो नहीं नहीं ऐसा, ऐसा नहीं आपकी किस्मत होती। बस आप इसको एक फार्मूला समझ के अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करें, उससे रिजल्ट लेने की कोशिश करें। रिजल्ट आपको ख्वाब के जरिए आएगा, उसका हल कुदरत नेचर आपको देगी, या आपको दो चार दिन के अंदर चलते फिरते उसका आपको हल नजर आएगा, और पूरी बॉडी आपकी उसके मुताबिक जो है ना रिएक्ट करेगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी कोई बात समझ में आई इसकी? रोजाना करें तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर रोजाना करते हैं आप तो आपका बिलीफ सिस्टम जो है ना वो बेटर होता है। जी कौन कोई डिजीज है, कोई डिजीज है तो उसके बारे में भी आप उसका तसव्वुर जेन में लेके आए कि वो एक बीमारी है कोई भी किसी भी आदमी। अच्छा जरूरी नहीं है कि आप खुद करें, किसी और को भी है तो उसको भी आप तजवीज करें, उसको बताएं, क्योंकि इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। और अगली दफा आप आए तो मुझे उसके रिजल्ट जो है ना मेरे साथ शेयर भी करें, लोग भी ताकि इससे मुस्तफीद हो। जी कोई और सवाल इसके बारे में पूछ लीजिए। जी बॉडी से काम हम पर इंस्पेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स का जो फिनोमेनन है, जो यूनिवर्स के जो लॉ है उसके अगेंस्ट भी कर रहे होते हैं, तो प्लीज आपने एक चीज को जरूर रखना है कि हमने वो यूनिवर्स के जो कानून है उसमें रहना है। कोई ऐसी चीज नहीं हमने कहना जी दीवार गिर जाए या छत गिर जाए बात बात, क्योंकि ये इस कानून के तहत बनी हुई है ना, इसलिए किसी कानून के तहत गिरना है। हमें हमें ज्यादा कोशिश हमने करनी है कि जहां पे कानून अप्लाई होते हैं, जैसे सिस्टर ने आज बात की थी कोई बात, तो मैंने कहा था ये जो काम आप कहना चाह रही है, जो करना चाह रही है, ये तो कानून के मुताबिक है, और लाखों करोड़ों लोगों ने पहले किया हुआ है काम तो होना है ना उसने, तो ये आप जरा थोड़ा सा रखना है कि हमने कोई ऐसी चीज नहीं यूनिवर्स से या नेचर से मांगनी या अल्लाह सुभान तआला से कि जो कवानीन के जरा थोड़ा सा, क्योंकि वो वक्त और था जब मौजज़ात होते थे, वो दुनिया और थी, मौजज़ात की दुनिया, हालांकि वो भी साइंस ही थी साथ, लेकिन अल्लाह के लिए तो कोई साइंस जरूरी नहीं है ना, अल्लाह तो खुदावंद आलम है। जी जो पानी का ये आपके बॉडी से रिलेटेड ही हो? हाँ बॉडी से रिलेटेड, नहीं नहीं बॉडी से रिलेटेड कुछ नहीं, कुछ भी आप जो भी चाहें, कोई भी प्रॉब्लम चाहे एक वो एक कर लें कल दूसरा कर लें, उससे अगले दिन तीसरा कर लें, जो भी आपकी प्रॉब्लम उसकी लिस्ट बना लें, जो भी आपके चैलेंजेस है, प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूंगा आपको, चैलेंज जो अभी आपको जिंदगी में, क्योंकि प्रॉब्लम की साइंस और है और चैलेंज की साइंस और है। प्रॉब्लम में बात का इंसान जो है बेउम्मीद होता है, तो चैलेंज में भी उम्मीद नहीं होता, वरना से हासिल में करना होता है। जी गोल या मिशन ना तो उसके बारे में कुछ भी, हाँ गोल मिशन उसको भी आप रख सकते हैं कि ये मेरा मिशन है और मैं इसको हल करना चाहता हूँ। ये जो पानी है ना इस पर बड़ी रिसर्च है, अभी इस पर कुछ भी रिसर्च नहीं हुआ। कभी आप इसको जापान की जो लेबोरेटरी है आप देख लो, पूरा एक अदारा है, 40 साल से एक आदमी है वो इस पर काम कर रहा है सिर्फ पानी के, ये है क्या? आप उसकी वहां पर रिसर्च देख के हैरान रह जाएंगे कि आप जमजम से क्रिस्टल बनाने से जब उसने उसको लेबोरेटरी में लेके गया तो हैरान हो जाएगा कि ये कैसा पानी है। और जिसके ऊपर आप कलमा शरीफ पढ़ देते हैं या आप कुछ भी पढ़ देते हैं, जैसे हमारे यहाँ हमारे आलिम जो है वो दम कर देते हैं, उसके बाद उसके अच्छी उसके क्रिस्टल कैसे बनते हैं आप हैरान हो जाएंगे। आप देखना आज आप थोड़ा सा नेट पे बड़ा कुछ देखते हैं, आगे भी देखना चला जाता है। ये पानी बिल्कुल सादा लाइक मैं डेली सादा पानी का पानी पी के सोता हूं, डेली मेरी रूटीन है। हां आप सादा का, क्योंकि जब आप कंपाउंड बन गया ना होते पानी तो सादा, और उसमें भी अगर आपका H2O ही हो तो बहुत अच्छा है, मिनरल भी ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो हमारे पानी मिलते हैं ना ये तो पता नहीं क्या कुछ होता है इसमें, तो ऐसे ऐसे पार्टी करते हैं आप। ठीक है जी,